हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी। मैं हूँ प्रोफेसर रेनू। आज मैं आपके लिए काफ़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉस ट्रेड्समैन को लेके। आप सबको पता है अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया। सब लोग ने काफ़ी रिजल्ट का वेट लगा के रखा है कि अब रिजल्ट इसका आएगा, अब रिजल्ट इसका आएगा। तो मैं आज आपको थोड़ा सा, हमने आज यहाँ पे पूरा देखा जाए तो ऑब्जर्वेशन किया है, कितने लोगों का पेपर्स हुए हैं, कि कौन कौन सा मुताबिक पोस्ट दी गई है और फिर उस पोस्ट में कितने लोग हैं, सब कुछ है यहाँ पे। बहुत स्टूडेंट के थोड़े से पॉइंट ऑफ व्यू भी हम लोगों ने यहाँ पे सुना कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है परीक्षा को लेके। अलग अलग पोस्ट के थोड़े से ओपिनियन हम लोगों ने यहाँ पे निकाला कि ट्रेड्समैन के बच्चों का क्या ओपिनियन है, स्टीनोग्राफी के बच्चों का क्या ओपिनियन है। जो जो अलग अलग यहाँ पे पोस्ट थे सबके थोड़े से ओपिनियन स्टूडेंट से उनका थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू लिया यहाँ पे। तो लास्ट ऑब्जर्वेशंस पे मैंने हम लोगों ने ये पता किया कि सबसे आसान परीक्षा किस में हुआ था, ठीक है, कौन सा वो पोस्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा आसान परीक्षा हुआ था, जिसका थोड़ा सा बहुत ज़्यादा, मतलब बोलते हैं ना कम, बहुत अच्छा, बहुत लोग, ज़्यादा लोगों के यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांसेस यहाँ पे। तो आज हम ये इस वीडियो में यही पूरा सब लोग पूरा जानेंगे कि अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाने वाली हूँ कि किस में सबसे ज़्यादा आसान परीक्षा हुआ था, कौन सबसे ज़्यादा बेस्ट है यहाँ पे हुआ था। बहुत बच्चों के वहाँ पे ओपिनियंस काफ़ी अच्छे सुनने के आए, मतलब आउट ऑफ बोलते हैं ना, आउटकम्स काफ़ी अच्छा निकला वहाँ पे और आउट ऑफ भी मार्क्स देखा जाता है सबके यहाँ पे अच्छे ही आ रहे हैं। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये स्मार्ट नौकरी चैनल आपके लिए लेटेस्ट सारी इन्फॉर्मेशन लेके आता है, पूरे ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, चाहे वो एग्ज़ाम का हो, कट ऑफ का हो, यहाँ पे रिजल्ट्स का हो, नए नए गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसी मिलती है, प्लस प्राइवेट सेक्टर की बहुत सारी अच्छी वैकेंसी, प्राइवेट सेक्टर्स की भी बहुत सारे हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन ये आपको प्रोवाइड करता है, लेटेस्ट जो भी गवर्नमेंट वैकेंसी निकलते जाती है वो हम आपको देते ही हैं। तो जैसे कि मैंने हमेशा आपको बोला है, प्लीज़ गवर्नमेंट की वैकेंसी जो भी निकलती है उसका डेट जब भी स्टार्ट होता है बिफोर एग्ज़ाम से, बिफोर आपका वो डेट जाने से पहले, लास्ट डेट आने से पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, फॉर्म को फिल करना, ओके। तो और हाँ, एक स्मार्ट नौकरी चैनल आपके लिए एक और भी हेल्प यहाँ पे करता है कि सपोज़ अगर किसी को भी किसी भी एग्ज़ाम का नोट्स वगैरह कुछ भी चाहिए तो वो यहाँ पे क्या करेगा, हमारा ईमेल आईडी हमारे साइट स्मार्ट नौकरी चैनल पे वहाँ पे दिया गया है, तो प्लीज़ आप उस ईमेल आईडी पे मेल करोगे, आप अपना एग्ज़ाम बताइए, आपको कौन से सब्जेक्ट का चाहिए, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जो भी चीज़ों का चाहिए वहाँ पे लिखिए, तो आपको ये पीडीएफ फाइल में हमारे पास जो भी जिस तरीके से पीडीएफ फाइल जैसा भी है वो हम आपके मेल पे हम आपको पर्सनली दे देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये स्मार्ट नौकरी चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्प करता है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं मेन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, जो मैं आपको बताने वाली हूँ सबसे आसान परीक्षा किस में हुआ था, कौन सी पोस्ट में यहाँ पे हुआ, तो मैं आप बता देती हूँ, स्टीनोग्राफी एंड ट्रेड्समैन, ठीक है। ये दो पेपर ऐसे हैं जो सबसे आसान गए हैं और इसका मतलब बहुत लोगों के सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमने थोड़े से ओपिनियन यहाँ पे सुना, तो बहुत बच्चे यही बोल रहे हैं, मतलब किसी के भी बच्चे के मुंह से ये सुनने को नहीं मिला कि हाँ पेपर बहुत ही हार्ड गया था, ठीक है। बहुत बच्चे के सुनने को मिले कि हाँ पेपर आसान था, अच्छा था, अच्छा गया है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, यही सब हमें काफ़ी सुनने को मिला है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली जब सबके मुंह से ये सब सुनने को मिला था, एक बच्चा रॉन्ग तो बोलेगा नहीं यहाँ पे। हम लोगों ने काफ़ी सारे बच्चों के, जो हमारे क्लासेस के स्टूडेंट हैं, बहुत लोगों से सुनने के बाद ये पता चला कि दोनों पेपर्स आसान गए हैं सबसे। तो सिलेक्शन मोस्ट ऑफ द जो अच्छे बच्चे यहाँ पे हैं, जिसका हाईएस्ट यहाँ पे आएगा मार्क्स, वो वहाँ पे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ट्रेड्समैन से भी ज़्यादा यहाँ पे इजी गया है स्टीनोग्राफर के पेपर्स, ठीक है। जो भी स्टीनोग्राफर के बच्चे लोगों ने अपना फॉर्म भरा है, आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया, ये थोड़ा सा और भी आसान गया है कंपेयर विथ ट्रेड्समैन एग्ज़ाम्स के, ठीक है। तो अभी रिजल्ट का हम सबको वेट है, थोड़ा सा हम रिजल्ट पे भी डेटा थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन निकालते हैं कि कैसा क्या है, क्यों अब तक रिजल्ट्स नहीं आ रहा है, क्योंकि सारा सब कुछ चेक करने के बाद अब तो रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। तो क्या रीजंस है, क्यों, किस वजह से यहाँ पे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, थोड़ी सारे इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करके आप तक के सारे इन्फॉर्मेशन आपको हम बताएंगे। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर किसी को कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी पूछना हो अपने एग्ज़ाम को लेके, जो हमारे चैनल्स पर ऑलरेडी बहुत सारे आपको कट ऑफ भी हम बता ही चुके हैं, हर चीज़ आपको बता दिए, एग्ज़ाम डेट कैसा होता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से इधर से उधर पोस्टपोन होते रहते हैं, तो वो भी सारे इन्फॉर्मेशन आपको बताते ही रहते हैं कि इस वजह से एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है, अब रिज़ल्ट आने के चांसेस है। हम अपना एक्सपेक्टेशन बेस्ट टू बेस्ट देते हैं, एक्सपेक्टेशंस वही बताते हैं जो थोड़ा सा यहाँ पे होता है। स्मार्ट नौकरी चैनल ऐसे ही यहाँ पे यूँ ही नहीं है कि आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन देगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे रिज़ल्ट डिले क्यों हो रहा है, कैसा क्या हो रहा है, थोड़ा सा हम लोग कोशिश करते हैं कि किस वजह से ऐसा हो रहा है,
और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि रिजल्ट अब तक क्यों नहीं आया और कब आने के चांसेस हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया इन्फॉर्मेशन, एक नया एडवाइस और एक नया सजेशन के साथ में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।